जिला प्रमोशन अधिकारी वरुण कुमार के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना के अंतर्गत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिला अस्पताल में नई जन्म कन्याओं को बेटी दिवस के उपलक्ष्य में बेटी जन्म उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी रेखा शर्मा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज की PRO डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे रही। हालांकि साथ मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ भी पूरा योगदान दिया इन लोगों ने। और इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप से मनाना और उनकी महत्व को समाज को बताना। हालांकि इनको समान शिक्षा प्यार सम्मान अधिकार भी मिल सके। इस मौके पर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे ने बेटियों के जीवन की सबसे सुंदर और जादुई रचना कहा। उनका यह भी कहना था कि बेटियां हमारे दिल को उज्जवल करती हैं और इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में अहम भूमिका रखती हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने यह भी कहा कि 20 नवजात बच्चियों की माताओं से आह्वान किया गया, वो बेटियों को सही तरीके से परवरिश करें ताकि वो भी समाज के लिए मुख्य जुड़ सके। महिला कल्याण अधिकारी रेखा शर्मा ने माताओं के साथ साथ पिताओं का आह्वान किया कि वो अपनी बेटियों को सभी अवसर दें। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जैसे कन्या सुखमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिले और बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दें। उन्होंने ये भी कहा माता पिता खास करके बेटों के मुकाबले बेटियां ज्यादा स्वाभाविक और माता पिता का ख्याल रखती हैं, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हर माता पिता को अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके भविष्य की कामना भी करना चाहिए। हालांकि इस मौके पर PRO पूजा पांडे ने प्रोग्राम करने के साथ साथ आपको बता दें एक नई दिशा निर्देश भी दिखाया। हालांकि इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई।